और सीएम गहलोत का बड़ा ऐलान, प्रदेशवासियों के लिए बड़ी राहत की घोषणा, बिजली उपभोक्ताओं को बड़ी राहत, 100 यूनिट बिजली हर महीने बिल शून्य, 100 यूनिट तक बिजली उपभोक्ताओं का बिल जीरो होगा, पहले 100 यूनिट का कोई बिजली बिल नहीं देना होगा, 200 यूनिट बिजली बिल पर सरचार्ज नहीं देना होगा। पिछले बजट में मैंने घोषणा की थी 50 यूनिट जो निःशुल्क दी जा रही है उसको 100 यूनिट किया जाएगा, उसके अनुसार 1 मई से ये घोषणा प्रारंभ हुई और पहला बिल आएगा अभी 1 से 15 जून के बीच में, उसमें 100 यूनिट तक तमाम प्रदेशवासियों को वो कितनी बिजली कंज्यूम करे तब भी फ्री दी जाएगी। उसके अलावा इंसेंटिव जो दिया जा रहा है 200 यूनिट तक जो पाबंद रखेंगे अपने आप को उनको 100 यूनिट तो फ्री होगी होगी, उसके अलावा 100 से 200 यूनिट तक जो है उनका भी जो फिक्स चार्ज है, अन्य चार्जेज है वो चार्ज नहीं दिए जाएंगे, इस प्रकार उनको भी बहुत बड़ी राहत मिलेगी और अब वो भविष्य के अंदर 100 यूनिट पूरी तरह फ्री, 200 यूनिट अगर बिजली का कंज्यूम करते हैं उनके लिए भी बहुत बड़ी राहत होगी, उनको अब कोई फिक्स चार्ज देना पड़ेगा, फिक्स चार्ज से बहुत भारी दबाव पड़ता है परिवार पर। और ये फीडबैक मुझे मैंने आज शिविरों में मिला और जो लोग मिलना है मुझसे उनको चिंता ये थी कि ये फिक्स चार्ज के माध्यम से जो 200 यूनिट तक भी बिजली उपभोग करते हैं उनको भी तकलीफ आएगी। अब मैं उम्मीद करता हूँ कि जो परिवार लगभग 1,10,00,000 परिवार है उससे अधिक परिवारों को इस फैसले से राहत मिलेगी। मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना लागू की थी और करीब 60-70% किसानों का बिजली का बिल तो उसमें ही शून्य आ रहा है, इस बार उस दायरे को मुख्यमंत्री जी ने बढ़ा दिया और ये घोषणा की है कि जो किसान प्रतिमाह 2000 यूनिट तक बिजली का उपयोग करते हैं। प्रदेश में सीएम गहलोत ने 100 यूनिट तक बिजली फ्री कर जनता को बड़ी राहत दी है। सीएम के फैसले की ऊर्जा मंत्री भंवर सिंह भाटी ने इस फैसले को मील का पत्थर बताया। ऊर्जा मंत्री का कहना है कि डिस्कॉम भले ही घाटे में चल रहे हो लेकिन सरकार सारा वित्तीय प्रबंधन करेगी। कल में सीएम गहलोत ने जनता को एक बार और बड़ी राहत दी। बात करते हैं ऊर्जा मंत्री भंवर सिंह भाटी जी से ही। भाटी साहब, बड़ी राहत चुनावी साल में जनता को 100 यूनिट बिजली पूरी तरह फ्री और साथ ही साथ में जो चार्जेज है उनको भी 200 यूनिट तक फ्री किया गया है। देखिए, सबसे पहले तो मैं राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत जी का विभाग का ऊर्जा विभाग का मंत्री होने के नाते सभी प्रदेशवासियों की तरफ से आभार प्रकट करना चाहूंगा। और जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि 2022 में माननीय मुख्यमंत्री जी ने राजस्थान के उपभोक्ताओं को 50 यूनिट फ्री बिजली देना शुरू कर दिया। इस 2023 के बजट में मुख्यमंत्री जी ने महंगाई से राहत देने के कई बड़े बड़े निर्णय किए। करीब 20,000 करोड़ रुपए का पैकेज राजस्थान के लोगों को महंगाई से राहत देने के लिए दिया। उसमें एक बड़ी घोषणा हमारे विभाग ऊर्जा विभाग की थी कि राजस्थान के 100 यूनिट तक उपयोग करने वाले बिजली का उपयोग करने वाले सभी घरेलू उपभोक्ताओं को बिजली 100 यूनिट बिजली फ्री दी जाएगी। लेकिन इसमें माननीय मुख्यमंत्री जी चूंकि खुद महंगाई राहत शिविरों में जा रहे हैं, जनता का फीडबैक ले रहे हैं और उसके आधार पर मुख्यमंत्री जी ने कल रात को एक बहुत बड़ी घोषणा कर दी कि राजस्थान के तमाम उपभोक्ताओं को 100 यूनिट बिजली फ्री दी जाएगी। राजस्थान में 1,25,00,000 घरेलू उपभोक्ता हैं और उन सबको, चाहे वो 200 यूनिट उपयोग करे चाहे उससे अधिक उपयोग करे, सभी घरेलू उपभोक्ताओं को 100 यूनिट बिजली फ्री दी जाएगी तथा 100 यूनिट से लेकर 200 यूनिट तक उपयोग करने वाले जो मध्यम वर्ग के लोग हैं उनको बड़ी राहत दी है कि आगामी जो 100 यूनिट है 100 से 200 यूनिट उसमें भी जो फ्यूल सरचार्ज है, जो नगरीय जो टैक्सेस लगते हैं या अन्य
किसी भी प्रकार के जो भी अतिरिक्त जो शुल्क लगते हैं वो भी 200 यूनिट तक फ्री कर दिए। लेकिन भाटी साहब, जिस तरह से घोषणा बड़ी है, राहत भी दी जा रही है, डिस्कॉम पहले से घाटे में चल रहे हैं, सरकार पर अतिरिक्त बोझ आएगा, कैसे डिस्कॉम को घाटे से उबारने की कोशिश होगी? देखिए, राजस्थान सरकार के द्वारा डिस्कॉम्स का खैर अपना अलग उनका खर्चे और उनका जो भी होता है मैनेजमेंट होता है, लेकिन जो जो रियायतें राज्य सरकार के द्वारा दी जाती है, चाहे मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना की बात करें, चाहे हमने जो 100 यूनिट फ्री बिजली दी है उसकी बात करें, या 2000 यूनिट किसानों को जो फ्री बिजली दी जाने की मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की है, तो ये तमाम जो घोषणाएं की गई है तो इसका पैसा राज्य सरकार के द्वारा डिस्कॉम्स को दिया जाएगा। तो डिस्कॉम्स के ऊपर इन घोषणाओं से या इन जो छूटें दी गई इससे डिस्कॉम्स पर कोई असर नहीं पड़ेगा और राज्य सरकार। और जयपुर से बड़ी खबर, मंत्री महेश जोशी का बड़ा बयान, गहलोत के मास्टर स्ट्रोक से कांग्रेस की जीत तय, बिजली उपभोक्ताओं को गहलोत की बड़ी सौगात, प्रदेश की जनता फिर से बनाएगी कांग्रेस की सरकार, भाजपा को गरीबों की कभी फिक्र नहीं रही। तो महेश जोशी मंत्री, हमको जनता के चेहरे खिले हुए चाहिए और जनता के चेहरे इस निर्णय से और इससे पहले जो बजट पेश किया 2023 का, बल्कि ये कहूं कि 2019 में जब पहला बजट पेश किया तब से लेके 2023 तक के पांचों बजट, उन बजटों ने जनता के चेहरे खिलाए हैं। इस एक निर्णय का बहुत बड़ा फर्क पड़ा है। लोगों के मन में ये कसक रहती थी कि भाई बिल आपने माफ कर दिया आप, लेकिन ये जो फ्यूल सरचार्ज है या स्थायी शुल्क है ये सब देना पड़ रहा है, तो फिर बिजली का बिल शून्य कैसे होगा? बिजली का बिल शून्य किया है, 100 यूनिट तक का शून्य है, उसके बाद 200 यूनिट तक में से भी जो स्थायी शुल्क है कि फ्यूल सरचार्ज है वो सब हटा लिया गया है। आम और मध्यम वर्गीय आदमी को बहुत बड़ी राहत, पूरे 24 घंटे ठाकुर जी के हैं, शुभ काम के लिए हैं, अच्छे काम के लिए हैं, राहत के लिए हैं। जब हो सके तब ये घोषणा करनी चाहिए, मुख्यमंत्री जी ने 11:15 किया, निश्चित रूप से जनता ने इसको हाथोंहाथ लिया है। और जहां तक आप रेवड़ियों बांटने की बात कर रहे हैं, प्रधानमंत्री जी वहां कहते हैं कि कांग्रेस की गारंटी योजनाओं से देश दिवालिया हो जाएगा, जो उनके परम कॉरपोरेट सेक्टर के मित्रों को वो जो कुछ दे रहे हैं, उन लाखों करोड़ रुपए से देश दिवालिया नहीं हो रहा। जनता को राहत दो तो रेवड़ियां उनको लगती हैं, जनता को राहत दो तो दिवालियापन की बात करते हैं। प्रधानमंत्री जी से अपेक्षा थी, वो आए हैं उस जगह पर आए हैं जहां ईआरसीपी का 2.5 मिनट तक बखान करते रहे। प्रधानमंत्री का 2.5 मिनट किसी इशू पर बोलना बहुत महत्वपूर्ण और बड़ी बात होती है, लेकिन उसके बाद जब पहली बार यहां आए हैं एक शब्द ईआरसीपी को। और बीजेपी पर कांग्रेस का हमला, नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने निशाना साधा, फ्री बिजली घोषणा पर बोला हमला, कहा सरचार्ज माफ कर नौटंकी की जा रही है, 1,20,000 करोड़ के घाटे में डिस्कॉम चल रहा है। फ्री बिजली देने पर नेता प्रतिपक्ष राठौड़ का यह बयान सामने आया है, चुनावी साल में जनता झांसे में नहीं आएगी। सरकार इस प्रकार की घोषणा करके अपने खोए हुए जन आधार को ढूंढने की कोशिश कर रही है, इसमें कामयाब नहीं होगी। महंगाई राहत के नाम पर कांग्रेस का कांग्रेसीकरण, सरकारी धन का दुरुपयोग और पहले से जो लाभान्वित लोग हैं, विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन, वृद्धावस्था पेंशन, इन लोगों को फिर वापस इस समय में बुलाकर भाषण पिलाना, इससे कोई कामयाबी सरकार को और मुख्यमंत्री को नहीं मिलेगी।